जो टाइम पे होना चाहिए वो नहीं होता है, और जो नहीं होना चाहिए वो होता है। ये तो अभी इसमें जाएं, कोई नहीं मार रहा है, कोई नहीं मार रहा है, सो जाओ। लास्ट के कुछ मोमेंट इस कॉलेज के कैंपस, केवल 5 मिनट के लेट से ट्रेन छूट गया, 5 मिनट भी नहीं था, 2 मिनट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और मैं अभी निकल रहा हूँ बैंगलोर के लिए, लेकिन लिटरली ऐसा लग रहा है हॉस्टल छोड़ के जाने से कि घर से जा रहा है यार। आवाज़ थोड़ा बदला बदला सा लगेगा क्योंकि कल रात को हमने खूब फन किया। सो अभी मेरा ट्रेन है अराउंड 8 o'clock, तो मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। सामने कॉलेज के सामने से ही बस मिलेगा, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बाकी यार लास्ट के कुछ मोमेंट इस कॉलेज के कैंपस में, वैसे धीरे धीरे तो कल सब लोग चले ही गए थे, उस दिन आयुष गया। तो उठवाएगा तुम बैग, अब साले उठाओ, बाप रे कहाँ है वो? अरे चाटा को मंडी करने हाँ रूबल दा, उसका भगवान जा रहा है, उसको तो नहीं नहीं दरवाजा हम लोग लॉक कर लेते हैं, आता है हम लोग को लॉक करना। ला रूबल दास लगा, छोड़ रूबल दास लगा, भगवान उसका है तो हम लोग क्या ले जाएंगे। तुम्हारे जाने पे आसमान भी खुश है, रो रहा है, हंस रहा है, हमको समझ में, लेकिन बारिश तो आ रहा है। अरे जाओ यार, जाओ 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 जाओ, 5 मिनट। आयुष यार तुम 4 साल में जितना खुशी नहीं दिया उतना तुम अपने बर्थडे के 4 दिन में दे दिया था, मिस करेंगे इसीलिए तुमको, लेकिन कसम से यार मत जाओ वे, तू सीना जाओ यार। ये सर ये भी अच्छा है, गेट तक मारते मारते लेके जाना है, बुरा है। मारो 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 मारो, पहले तो हम ही मारेंगे, मारो। अबे फाइनल ईयर खत्म हो गया, अब मत मारो बे उसका, नीचे सो जाओ, पूरा सो जाओ नीचे। हाँ कोई नहीं मार रहा है, कोई नहीं मार रहा है, सो जाओ पूरा इज्जत दे के जाओ, कोई नहीं मारेगा भाई, प्रणाम करो बे। हाँ सो के नीचे, सो के पूरा सो जाओ, पूरा नीचे सो जाओ। लोग यहीं बैठे हैं और बेचारा आयुष फिर से गया वापस हॉस्टल का आउट पास लेने, जाने नहीं दिया उसको बाहर। वाला भी जाएगा, ये वाला पहले जाएगा, जाओ ए जरा। उसके बाद से जितने नेपाल के लड़के थे वो कल चले गए रास्ते। I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. मैं बचा था, आज मैं भी जा रहा हूँ। कॉलेज अपना the main campus and now वैसे एक और प्रॉब्लम हो सकता है, एक्चुअली मैंने 2 बैग ले रखा है, आगे और पीछे। तो हुआ यह था ना कि आयुष के टाइम पे हॉस्टल वैकेटिंग फॉर्म का जेरोक्स लेना था और वो लिया नहीं था, तो रात को प्रॉब्लम हो गया था, गेट से जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने पहले ही अपना हॉस्टल वैकेट कर रखा है, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ मेरे साथ होने वाला है, बट स्टिल अगर कुछ होता है ऐसा तो मैंने रखा है एक एक्स्ट्रा बैकअप के लिए। तो गेट सिक्योरिटी चेकिंग, देखते हैं अभी क्या होता है, लेकिन उससे पहले कुछ कैश ले लेते हैं, लेट हो जाएगा मेरे को लग रहा है, पता नहीं क्यों। निकाल लेता हूँ पैसा। हाँ तो मैं वो जो बोल रहा था आयुष वाला प्रॉब्लम, वो एक्चुअली मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि गार्ड अंकल को पता था कि मैंने हॉस्टल वैकेट किया है पहले ही, तो उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं एंड मैंने कुछ दिया ही नहीं। तो फाइनल बाय टू द एक्सेल। अभी वहाँ सामने पे बस मिलेगा, लेकिन बस अभी तक आया नहीं है, बस जल्दी जल्दी मिल जाए यार, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। अभी मैंने रोड क्रॉस कर, मैं बस स्टैंड पे आ गया हूँ, लेकिन बस यहाँ पे है ही नहीं, देखते हैं कब तक आता है। बट एक्सेल यार बाय।
अभी मैं चलता हूँ, किसी से पूछ ले रहा हूँ कि बस कब तक आएगा, एंड देन मिलते हैं जब मैं सेलम पहुँच जाता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट टाइम कोई हिंदी गाना सुन रहा मैं बस में। टाटा बाय। केवल 5 मिनट के लेट से ट्रेन छूट गया, 5 मिनट भी नहीं था, 2 मिनट। तो टाइम का वैल्यू उससे पूछो जो इतने कम टाइम के लिए ट्रेन छोड़ देता है। एंड देन जो भी था भाई, इतना रश में यार, रैपिड वाला इतना तेज आया, फिर भी नहीं पहुंच पाया टाइम पे। तो अभी चल रहा है फिर से सेलम बस स्टैंड, एंड देन वहाँ से बस लेके ही जाना पड़ेगा। तो अब जब लेट हो ही गया तो आराम से जाएंगे। ये है आज का ब्रेकफास्ट। तो अभी ब्रेकफास्ट करके मैं डायरेक्टली बस स्टैंड पे आ गया, सामने मेरा बस भी रहा ये। तो अभी इसमें जाएंगे, मैंने पानी भी ले लिया है, तो चलते हैं अभी। मिलते हैं बैंगलोर। फाइनली बैंगलोर तो पहुंच गए, लेकिन आने में पूरा हालत खराब हो गया। फर्स्ट वो ट्रेन का मिस होना, एंड सेकेंड बस में आना इज लाइक बहुत टफ है। अगर स्लीपर रहता तो चलता है, एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना बस में आने का, मेरे को चक्कर आने लगता है, सर दर्द करने लगता है। वही ट्रेन में पूरा खुला खुला सा रहता है, नेचुरल हवा आता रहता है, तो फिर इट्स काइंड ऑफ ओके। बट बस में तो वही होता है, एक तो ये बैग इतना भारी है कि इसको कैरी करते करते हालत ख़राब हो गया है। एंड अभी मतलब यहाँ पहुँचने से पहले ही मैंने स्विगी से चिकन राइस ऑर्डर कर दिया था, तो ये पता है आज टाइम से पहले ही पहुँच गया। और मुझे याद है उस दिन जब मैंने किया था, स्विगी से ही किया था, तो पूरा 2 घंटे लेट आया था। एंड आज मैं पहुँचा नहीं, वो पहुँच गया। लिटरली जो टाइम पे होना चाहिए वो नहीं होता है, और जो नहीं होना चाहिए वो होता है। अदर डेज ये ट्रेन 10 मिनट 20 मिनट या फिर हाफ एन आवर ऐसे ही लेट रहता है, लेकिन आज मैं लेट हुआ 1 मिनट तो ऑन टाइम होके चला भी गया। यही होता है जब आपका टाइम अच्छा नहीं होता है। यार बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा। वैसे एक चीज़ पता है क्या हो रहा है, पिछली बार जब आया था बैंगलोर तो इतना नहीं पता चल रहा था, लेकिन इस बार जो आया कॉलेज से ना, तो लग रहा था कि हाँ जा रहा हूँ कहीं, एंड बुरा भी लग रहा था क्योंकि अभी खुद को भी पता है कि वहाँ ऐसे जब मन किया तो नहीं जा सकते, क्योंकि फाइनल हो चुका है, ऐसे कोई रोकेगा नहीं, बट फिर भी एक जो फीलिंग होता है ना वो हो रहा है। सो गाइस फाइनली मैं अभी रूम पहुंचने वाला हूं। सो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि मैं अभी जाके फटाफट नहा के कुछ खा के सोऊंगा, क्योंकि मैं पहले ही बहुत टायर्ड हूं इस जर्नी से। सो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। सो सी यू इन अदर ब्लॉग, बाय। नहीं, वो आवाज़ बदल रहा है, सोच रहा है कि नहीं समझेंगे। उठाएगा नहीं उठाएगा? ये वाले फोन में ना, नए वाले फोन में ऐसे हो गया ना, ऑटो रिकॉर्ड करने में पता चल जाता है सामने वाले को, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। नहीं उठाएगा? क्या स्कैम है भाई, लास्ट में कैसे लड़की का आवाज चेंज कर रहा है, मतलब सख्त लौंडा यार हम लोग। लड़की भी होगी तो ऐसा गलती नहीं करेंगे। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें।